दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन के अंदर 1/4 कप ऑयल ले लेंगे। आप यहाँ पे ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के फाइन चॉप किए हुए प्याज, और प्याज़ों को हम हल्का सा लाइट सा फ्राई होने देंगे। बहुत ज़्यादा हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है हमारे लाइट से फ्राई हो गए हैं, बस इतना ही फ्राई करेंगे। बाकी जो है हम लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो लहसुन ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो लहसुन और प्याज जो है वो इकट्ठे ही फ्राई होते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लहसुन को फ्राई होने देते हैं। लहसुन और प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कि कलर भी इनका गोल्डन गोल्डन सा हो गया है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर और 3 साबुत हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं 1 कप। टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेते हैं कि टमाटर जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं, मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसाला में इसमें चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 चाय की चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आप 1 चाय के चम्मच भी इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। तो मसालों को भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसाला जल ना जाए इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं, तब तक जब तक कि ऑयल जो है वो मसाले से अलग नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, ऑयल जो है वो अलग हो गया है मसाले से। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे माश की दाल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। दाल को अपने अच्छे से आधा घंटा या 1 घंटा के लिए भिगो देना है। और आप देख सकते हैं कि दाल कितनी अच्छे से भीगी हुई है। जैसे हाथ से तोड़ रही हूँ तो वो आसानी से टूट रही है। तो ये 1 कप मैंने दाल ली थी, 1 कप दाल को हम इसके अंदर डाल देंगे। ये भीगी हुई दाल है तो इसको हम अच्छे से मसाले के अंदर 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। इस स्टेज पर जब आप दाल को भूनते हैं तो दाल जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पे हमने दाल को अच्छे से भून लिया है 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और दाल हमारी भून गई है। तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे दाल को गलाने के लिए। तो 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अगर आपको लगे कि आपकी दाल 1 गिलास में नहीं गलेगी तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे हम कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं, या तब तक जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाती है तब तक। 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे दाल को पकते हुए। दाल जो है वो हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। दरमियान में मैंने 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला दिया था ताकि दाल जो है हमारी पैंदे में ना लग जाए। तो आप भी लाजमी चला लीजिएगा ताकि दाल पैंदे में ना लग जाए। तो अभी इसके अंदर काफ़ी पानी है, तो 2 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर पका लेते हैं। हाई फ्लेम पर हमने इसे 2 मिनट के लिए पका लिया है। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा पानी इसका खुश कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर हल्की हल्की ग्रेवी चाहिए ताकि जब हम इसको नान और कुल्चों के साथ खाएँ तो ये खाने में अच्छे लगे, टेस्टी लगे। तो लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, बट अगर आप इसमें डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। कटा हुआ अदरक इसके ऊपर डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। तो इन दोनों सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी मजेदार सी दाल जो है वो रेडी हो गई है। इस दाल को प्लेट में निकाल के हम सर्व करेंगे नान या कुल्चों के साथ। तो ये थी आज की मजेदार सी दाल माश की रेसिपी। आई होप आप लोगों ने आज की रेसिपी को एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा भी एंजॉय किया तो फटाफट से लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मजेदार सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।